हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बाद अब शिमला में बस हादसा हुआ है। शिमला में HRTC की बस हादसे का शिकार हुई है और सड़क से नीचे लुढ़की है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि ड्राइवर कंडक्टर को चोट लगी है। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार समर हिल के साथ लगते चेली के समीप यह हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया गया है कि शिमला के चेली धार कुफर रूट पर यह बस जा रही थी। इस दौरान वन विहार के पास हादसे का शिकार हो गई। बस में आधा दर्जन सवारी थी और अधिकतर लोग स्कूल टीचर थे। हादसे में सभी सवार सुरक्षित है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेड़ से अटकने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया है, वरना जानी नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। यहाँ से चले गए, उन्होंने अपनी कोई भी बात यहाँ पे नहीं रखी है, क्योंकि सर उनके उनको पता है कि उनकी 60% बसें खराब चल रही है और जो आधी बस है वो ढली में है, जिनका वहाँ पे वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो खराब यहाँ पे बस है ये जनता के यहाँ पे शिमला ग्रामीण की इस इन यहाँ पे रूटों पर चलाई जा रही है। जाती मेरी अपनी बच्ची को छोड़ने जाती हूँ स्कूल के लिए ना, जब मैं यहाँ पर वैसे मैं पैरा थोड़ी जल्दी, पर मैं जब यहाँ तो देखा मैंने कि यहाँ ना ये बस नीचे, जी हाँ जी, इसमें फॉल्ट होता है, फिर कई बार ऐसी खराब हो जाती है, वैसे फिर पहली बस ऊपर से नीचे हो आती है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो एक तो ऐसा जी बस ठीक होनी चाहिए, ताकि देखो छोटे छोटे बच्चे थे, अब मेरा बच्चा था, मैं अपने बच्चे को, और अगर मतलब इसमें फुल बस होती है और तो फिर देखो फिर तो कोई भी इंसान इसमें जीवित नहीं होना था, हो सकता था अगर इसमें 2-4 सवारियां जो बता रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा सवारियां होती तो ये बहुत ही एक मानवीय क्षति होती। और ये जो सर HRTC की जितनी भी बसें हैं, मैक्सिमम रोज सर आप न्यूज़ में सुनते हैं ये मैक्सिमम हादसे हो रहे हैं, तो हमारी प्रशासन से ही मांग है कि इन बसों को दुरुस्त कराया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र जो है सर इन रोडों में जो बैरियर जो लगने चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित अपना बचा सके।